हरि ओम नारायण हरी। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं आज अपना वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और अब देखते हैं कि माँ के चरणों में बैठ के क्या माँ आज आशीर्वाद देती है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, एक अथॉरिटी में है, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है और आप अपने कार्य को अपने पद की गरिमा के अनुसार करते हैं, अपनी ऑफिशियल पोजीशंस के हिसाब से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप अथॉरिटी में हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है। मगर इसमें एक बात और भी ये कार्ड क्लियर कर रहा है, भले ही आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, सीरियस हैं, किसी भी बात को, किसी भी काम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं, बड़ी हर चीज की गहराई में जाके, गंभीरता से गहराई से जाकर के कोई भी अपना डिसीजन टेक करते हैं, डिसीजन आप लेते हैं। और आप किसी की मीठी बातों में भी नहीं आते हैं कि कोई आपको चाहे कि हम इम्प्रेस कर लेंगे, उनको प्रभावित कर लेंगे, अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर वो डाल लेंगे। आप फैक्ट्स की बात करते हैं, आप तथ्यों की बात करते हैं, आप एक्चुअल पोजीशन की बात करते हैं जो आपके सामने होती है और जो लीगली सही होता है, जो कानूनी तौर से सही होता है, आप उसी को पालन करते हैं। और यही स्थिति घर में भी है, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, किसी की फेवर कभी नहीं करते हैं। इसके बाद अगला कार्ड है लवर्स का, क्योंकि कार्ड, आज के कार्ड जो है ना, दो ही बातों को बता रहे हैं, एक सत्ता और दूसरा प्यार, क्योंकि कार्ड्स कई तरीके की बात करते हैं, कार्ड्स कई धाराओं में बात करते हैं, तो इसलिए ये जो लवर्स का कार्ड आ रहा है ये उनके लिए है जिनको अपना प्यार मिलने वाला है या जिनकी शादी होने वाली है। ये लवर्स का कार्ड ज्यादातर शादी की ओर इंगित कर रहा है, शादी की ओर इंगित कर रहा है ये लवर्स का कार्ड। इसके बाद लवर्स के कार्ड में एंजल्स का भी आपको भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है और लार्ज स्केल पे मिल रहा है, क्योंकि आपके, देखिए,
एंजल समूह किसे कहते हैं? एंजल समूह ने कहते हैं जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो देवी देवता भी हो सकते हैं, हमारे फॉरफादर्स भी हो सकते हैं, और हम जिनको गुरु कहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप को इस शादी में जो लवर्स का कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके ऊपर आपके पितरों की पूरी कृपा है, एंजल्स की पूरी कृपा है, पूरा आशीर्वाद है। गो अहेड, अगर आप को कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिला हुआ है और आपका उनसे पिछले कई समय से परिचय चल रहा है तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर चाहे आप अथॉरिटी में है, सत्ता में है, सर्विस में है, इतनी अच्छी सर्विस में हो, चाहे आपका शादी वाला मामला हो। अगला कार्ड ये कह रहा है कि दोनों ही स्थितियों में आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है, आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है, मगर इस जहां आपका स्थान परिवर्तन होगा वो स्थान कोई और भी लेना चाहता है, इसलिए आपको इस परिस्थिति से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्थान एक है, जाने वाले कई लोग हैं, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन सुनिश्चित है। जाएंगे तो आप ही, कि आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो खुद जाना चाहते हैं उस स्थान पे जहाँ स्थान परिवर्तन होना है। अब किसी की ट्रांसफर ड्यू हो सकती है, किसी की कहीं शादी का मामला है तो कोई और भी उस रिश्ते में आना चाहता है, तो इस तरह की कोई स्थान की बात हो सकती है। तो वो जिसकी जैसी सिचुएशन हो, जैसी कंडीशन हो, वो अपनी उन्हीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली मेरी इस बात को समझे और ले। इसके बाद अगला कार्ड जो है वो बहुत आपके लिए ये है कि बताने का प्रयास ये हो रहा है कि आप बहुत इमोशनल और बहुत भावनाओं से लबालब सराबोर हैं एंजल्स के आशीर्वाद से, अपने पितरों के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, क्योंकि आप दूसरों का स्वागत भी कर रहे हैं अपनी भावनाओं से। मतलब कार्ड ये बता रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा कुछ ऐसा गेट टुगेदर या कुछ ऐसा छोटा सेलिब्रेशन होने वाला है जिसके लिए आप भावनात्मक तौर से इमोशनली बहुत एक्साइटेड हैं और उसको बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसको करना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयारी भी अच्छी ढंग से कर रहे हैं। छोटा होगा लेकिन क्वालिटी बेस्ड होगा कार्यक्रम, आप छोटा करेंगे, गेट टुगेदर आप छोटा करेंगे लेकिन क्वालिटी में बड़ा स्टैंडर्ड का करेंगे, क्योंकि आप इमोशनली जुड़े हुए हैं उससे। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम से इमोशनली जुड़ जाता है तो वो नेचुरली उस काम को बड़े अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि उसके अंदर उस काम को
और अच्छा और अच्छा और अच्छा, कहीं कोई कमी ना रहे, कहीं कोई किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी को खल जाए। जितने लोगों को आप बुलाएंगे उतने लोगों का पर्सनली आप बड़ा ध्यान रखेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। इस तरह का आप छोटा सा एक गेट टुगेदर करने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपका शादी से पहले का कोई कार्यक्रम हो, ये हो सकता है कि आपका अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका कुछ गेट टुगेदर आप कर रहे हो कि आपके मन मुताबिक हो गया, हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी खुशी हो जिसे आप अपने ही लोगों के बीच में सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। इसके बाद जो आगे कार्ड आ रहा है वो भी इसी बात को इंगित कर रहा है, इसी बात को संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप हर तरीके से साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे सर्विस में हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे सोशल लाइफ में हैं, आप जिस काम को भी इस समय हाथ में लिए हुए हैं उस काम के साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुचारू रूप से और रुचिकर रूप से मतलब बड़ा अपनी जो भी आपकी हॉबी हो, रुचि हो, जो आपको चीज़ पसंद हो, आप सब चीज़ को डाल करके इस काम को करना चाहते हैं। करिए ना, अच्छी बात है, खुशी होती है। अब अगला कार्ड जो बता रहा है वो सबके लिए तो नहीं है, जो अगला कार्ड बता रहा है वो चीज सबके लिए नहीं है, मगर कुछ लोगों के साथ ये चीज जरूर रेजोनेट करेगी और जितनों के साथ ये चीज बात रेजोनेट करे वही लोग ले, सबके साथ नहीं करेगी। नहीं तो फिर व्यूअर्स कमेंट्स करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये बात तो रेजोनेट नहीं हो रही है। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि सबके साथ नहीं होगी, जितनों के साथ ये बात जो मैं बोलने जा रही हूँ वो रेजोनेट हो वही रखें, सबके साथ नहीं होगी। कि आप कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। ज्यादातर लोग तो इमोशनली बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, बुद्धि और मन, माइंड एंड इमोशंस दोनों बैलेंस में हैं, बैलेंस्ड हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये चीज बैलेंस में नहीं है। तो आप अपनी धुन में, अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी धुन में इतने मगन हैं, परेशानी में मतलब, आप जिस भी परेशानी में हो आप अपनी उस परेशानी में इतने उलझे हुए हैं कि जो आपको नेचर से, यूनिवर्स से, एंजल से कुछ मिल भी रहा है आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का आप उसकी तरफ अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें, जो चीज़ आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है उस चीज़ को हर कीमत पर स्वीकार करें, स्वीकार करें। देखिए कार्ड्स की, देखिए बात, ऊपर कार्ड आया था चैरियट का, उसके नीचे आ रहा है डेथ का, डेथ का कार्ड आ रहा है।
मैंने कहा ऊपर वाले में कि आपका परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन होगा, और जो डेथ का कार्ड, डेथ होने से मतलब नहीं होता है, डेथ का कार्ड का मतलब ये होता है कि परिवर्तन, चेंज होगा, बदलाव आएगा, रूपांतरण होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड हो जाएंगे, अगर आप कहीं ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप अगर अपने बिजनेस को कहीं दूर फैलाना चाहते हैं दूसरे स्थानों पे, तो उसके लिए भी आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने घर से दूर जाना ही पड़ेगा, तो आप वहाँ भी जाएंगे तो आपका काम बनेगा, तो स्थान परिवर्तन आपका सुनिश्चित है, आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है। और कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन शादी के बाद होना है, क्योंकि ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि आपका शादी का बंधन निश्चित हो रहा है, आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। मेरे कुछ व्यूअर्स की शादी बहुत जल्द होने वाली है, और जिनके साथ ये रीडिंग जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जिनके साथ जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लें। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें अधिक से अधिक आप लोगों का सहयोग मिल सके, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, और पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।